डूब गया, डूब गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि अंडा घना तो क्या है, ज्यादा, और पानी घना तो हाँ, लेकिन मेरे पास एक और पानी है जादू वाला, ठीक है। इस पानी को चेक करते हैं कि अंडा के साथ क्या होता है, जादू वाला पानी है आपका, ये उबला हुआ नहीं कांच अंडा, क्या कच्चा अंडा है, तो इसको चेक करना है कि पानी में डूबता है कि नहीं। अगर ये अंडा डूब जाएगा तो क्या सीज होगा, अंडा घर तो क्या ज्यादा, पानी घर तो लेकिन मेरे पास एक और पानी है जादू वाला, गरम पानी, गरम पानी नहीं, गरम पानी अभी तक रहेगा, पानी गरम रहे ठंडा रहे, पानी ठीक है। इस पानी को चेक करते हैं ये अंडा के साथ क्या होता है, पानी है, पानी कैसे पानी होता है, जादू वाला पानी है ना, पैसा से मिलेगा, पानी है, पानी चेक करते अंडा डूबता है कि नहीं। अच्छा इसे को चेक कर ले, ये पानी कैसा है, सही है, अच्छा रुको, अरे ना जादू वाला पानी है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी है, आके छू के देख सकते हो, सही जगह हो जाना, सही जगह हो जाना, जवाब सही था। देखो हम कुछ ना कुछ किए पानी के साथ, आप हमको क्या पढ़ा रहा है, घना तो क्या रहेगा ज्यादा, तो सामान नहीं डूबने देगा, है ना। मतलब अगर ये अंडा का घना तो उसे अब क्या करेंगे, पानी का भी घनत्व क्या था, इस पानी का घनत्व क्या था कम, और अंडा घनत्व तो ज्यादा, अंडा डूब गया। लेकिन इस बोतल में क्या हुआ कि यहाँ आपका क्या है, पानी का घनत्व हम बढ़ाए, पानी का घनत्व क्या मैंने बढ़ा दिया, अब घनत्व बढ़ गया तो अंडा घनत्व बराबर हो गया, डूबा नहीं, और ये किस्त पूरा डूबा हुआ ना, यानी किस्त में आ जाएगा डब्लू बराबर, यानी जितना ये पानी को विस्थापित कर रहा है उतना इसके इन होगा, बस बन जाएंगे। तो ये हुआ कैसे, बताओ सोचो क्या किया हमने पानी के साथ, तो उसमें तेल मिला दिया, नहीं दूध नहीं मिला है, दूध मिला है, तेल ऐसा नहीं, रात वाला पानी, तेल मिला तो दिखाई नहीं देता, बड़ी मिट्टी है, देखो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है, क्या है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि नौवां में पढ़ना है या इलेवन पढ़ सकोगेगा कि जो भी पानी है ना उसमें क्या होता है, उसके अणु में बहुत सा जगह होता है, जो भी अणु जैसे द्रव है, अभी आपको दिखाते पिक्चर, ये देखिए ये द्रव है ना, तो द्रव में बहुत सारा गैप रहता है, क्या था बहुत सारा गैप रहता है, ठोस में गैप बहुत कम होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है गैप रहता है, अगर ये गैप बढ़ जाएगा तो वो सॉलिड में आ जाएगा, मतलब घन बढ़ जाएगा ना, सॉलिड में नहीं लेकिन घन तो बढ़ जाएगा, अगर क्या बोले अगर ये गैप भर जो खाली साथ दिखाई दे रहा अगर फुल हो जाए तो क्या हो जाएगा, घन तो बढ़ जाएगा, और घन बढ़ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, ये अंडा तैरने लगेगा ना, बस मैं तो हमने क्या क्या सिंपल सा नूरो पानी में नमक मिला दिया, क्या किए नमक, और नमक मिलाने से क्या हुआ, इस पानी के अंदर जो अंदर में जो इसका मॉलिक्यूल था उसके गैप बढ़ गया, क्योंकि नमक जाकर घुल गया और गैप हट गया, और गैप जैसे फुल हो गया उसके घनत्व बढ़ गया, और घनत्व बढ़ने से क्या हो गया, ये अंडा तैरने लगा, आपको सामने करके दिखाते हैं नमक में इसमें क्या कर रहा है, नमक मिला रहा है, क्यों इसे घनत्व बढ़ रहा है, ताकि अंडा क्या हो रहा है तैरने लगा, चेक करके एक चम्मच मिलाइए आपके सामने, कैसे घनत्व कैसे बिल्कुल नहीं बना दीजिए, सर 18 रुपए दिया होगा, 70 रुपए बोल रहे हैं, अरे कोई भी नमक नमक है भाई, कोई भी नमक क्या नमक, आप किसी भी नमक से काम कर सकते हैं, हाँ आप रुके, और याद रखना अच्छा घना तो कैसे बढ़ जा रहा बताओ, अभी आप लोग से क्वेश्चन कहे थे कि बिना आयतन बढ़े हुए द्रव्यमान बढ़ा जा सकता है, देखो हमने क्या किया, नमक सुनो ध्यान से जानकारी, हमने क्या किया इस पानी में नमक मिलाया, यानी पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान था, नमक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान हुआ, पूरा द्रव्यमान में वृद्धि हुआ, द्रव्यमान क्या हुआ वृद्धि, लेकिन इसके जो पानी का जो लेयर था जहां पहले था ना उसे बहुत कम वृद्धि हुआ, बहुत न मात्रा में, हल्का सा आयतन भरा, बहुत न मात्रा में आयतन भरा, यानी कुल मिलाकर द्रव्यमान ज्यादा भरा, और फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान बढ़ा दिया तो घनत्व बढ़ गया, हमने क्या किया
द्रव्यमान को बढ़ाने से क्या घनत्व बढ़ गया, घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या अंडा तैरने लगेगा। तो इसको चेक करते हैं, चलो मेरा काम हो जाएगा, चेक ना करना। अच्छा काम हो जाएगा, ये थोड़ा देर बाद ये अपने वाट वाट हो जाएगा, आराम से रख देते हैं, तैरने लगा। इसीलिए आपको बोले थे कि लोहा भी तैर सकता, लोहा भी तैर सकता है, लेकिन कहा जब पारा रहेगा वहां पर उसमें लोहा भी क्या होता है तैर सकता है, क्योंकि पारा घर ज्यादा है, लोहा क्या है कम है, बस समझ आया ना जी, कम सकता। ये किसका हो गया घर पर, अब कल देख लेना पास्कल का।